नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube पर। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित RPSC, राजस्थान पटवारी या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्जाम हो, चाहे RAS हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। और क्वेश्चन क्या आता है उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे पूरा टॉपिक क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है हेडिंग राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, जिसे RPSC बोलते हैं, अपने एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाती है जो संस्था RPSC, तो इससे संबंधित क्या क्या इसके पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट्स हमको इसमें देखने हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी को पता है RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, अजमेर में। तो सारे पॉइंटों को देखते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया था। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, ये पिछली बार पटवार के एग्जाम में आई थी, पटवार 2015 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें ये डेट से संबंधित RPSC का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है 20 अगस्त 1949 को, और कहाँ हुआ था, अजमेर में हुआ था इसका गठन। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको वर्तमान में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, अजमेर। यानी कि वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये अजमेर में है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष सर SK घोष थे। ये भी कई एग्जामों में आता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर SK घोष। और इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, कुल 8 व्यक्ति होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, हटाता कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो RPSC के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। प्रतिबंध क्या क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार सदस्यता प्राप्त होने पर उस आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वह उस आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की अवधि समाप्त होने पर उस राज्य का सभापति तथा दूसरे राज्य का सदस्य या सभापति बन सकता है। इस पॉइंट को समझते हैं कि किसी सदस्य की यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है, अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह उस राज्य का सभापति बन सकता है तथा दूसरे राज्य का सदस्य या सभापति बन सकता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सभापति संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या सभापति बन सकता है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना सा ही है इसमें। इससे आगे जो पॉइंट हैं वो है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, एक एक लाइन उनको भी ध्यान रखना है। और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 315। देखिए आर्टिकल 315 क्या कहता है, वो सारे आर्टिकल अपन पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। इसमें यानी कि प्रत्येक राज्य में और संघ में एक लोक सेवा आयोग जरूर होगा, या एक लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। नियुक्ति कौन करता है, अभी मैंने बताया था कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 है सदस्यों के पद रिक्त से संबंधित। अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, कि लोक सेवा आयोग के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। अगला है अनुच्छेद 321 आयोग के कर्तव्यों की वृद्धि की शक्ति, यानी कि आयोग के जो कर्तव्य होंगे उनमें वृद्धि की शक्ति किस आर्टिकल में दी हुई है,
अनुच्छेद 321 में। अनुच्छेद 322 है, इसमें दिया हुआ है लोक सेवा आयोग का विस्तार। और लास्ट है अनुच्छेद 323, इसमें है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बताया ये पटवारी में 2015 वाले एग्जाम में आया था, वो मैंने भी दिया था, प्री पेपर पास भी किया था लेकिन सेकंड नहीं हुआ था उसके। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया, और वर्तमान में कहाँ है तो अजमेर में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।